हमारे साथ मौजूद हैं जी मास्टर मोहम्मद हुसैन नसीम साहब। इन्हें सबसे पहले तो उन्होंने जी आए नो पहुंचे। थारो शुक्रिया कि तुम नाम ना मौका दे तो तो जनाब सब ते पहला तुम अपना ग्राम को ना दसेंगा कि तुम कित कर रहना लायेगा। ते हम इस तरह कह सुनो कि शहर की शक्ल में कह सुनो सारो कोई बहुत समझ आ अच्छा जाए सुना, तो बहुत फिर सुना, फिर तो सुनी गल। मैं अपना एड्रेस दे दूं। तो मैं इस वजह से बड़ी काफी सारी गालें लेकिन मुख्तर तो मैं सुनूं। जी, ये याद रखियो तहसील मौर मेरी क्या बात, शजरू चीरल गो ग्रामेरो वाह धर्माड़ी टप गए प्रसू दरिया गए जी टक्की चरता पुछियो ना मेरो जी रंग गंदमी सुखी को पूजी लगी क्या बात कम दर्जियों को निशान मेरो। वो तो मास्टर नहीं हूँ दर्जियों कम जी दर्जो तो जी हमारे कम करो जी हाजी सैयद रसूल सरबरा मारो पीछे आम जाने नसीम ना मेरो। जी बहुत अच्छा जनाब, बहुत अच्छा, क्या बात है। तुमने बहुत ही अच्छा अंदाज में अपना ना पता जुड़ा था वो दसी, मतलब मेरा जो अगर बंदो आना चाहे था ये अगर याद रख आ सके। बिल्कुल जी इस पर तुम थोड़ा जो देख लियो प्रैक्टिकल कर लियो अगर जी जरी समझो, फर्क हुआ एक एक जो तो मैप है वो तो उन्हें देश पे। जी बिल्कुल जी अच्छा, बुनियादी तालीम और बुनियादी तालीमी अदारा जुड़ो है उन्होंने बारे दसा। जी बुनियादी आज ते हर खुद इस महकमा दे हो गया है जी आज ते जगह जगह स्कूल ही स्कूल है हर जगह स्कूल है। बिल्कुल ते उस वक्त मां मेरी बुनियादी तालीम की शुरुआत जी हुई थी अपना गवर्नमेंट मोबाइल मिडिल प्राइमरी स्कूल चीरल दे हुई थी मोबाइल प्राइमरी स्कूल दे। मोबाइल स्कूल प्राइमरी जी स्कूल थे। तो हम मोबाइल प्राइमरी जी स्कूल की पैदावार हैं जिन्होंने कि आज नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी जी तो उस टाइम के चलता ही हो गया मिडिल स्कूल शेड्यूल जी जी उसके बाद हाई स्कूल की हाई स्कूल जी जब सोचा गुजारे हाई स्कूल बुद्ध जी जी बुद्धन 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 हाई स्कूल बुद्धन। जी तो जिस वक्त उस तो नौवीं तो फिर उससे दौर हमारे हाई स्कूल माहौर आ गयो जी तो माहौर पर हमने दसवीं की जी दसवीं करने के बाद थोड़ा जोर शोर जो है खुशकिस्मती की मुलाजमत मिल गई। जी मुलाजमत भी दो त्रै महीना मिली लेकिन मैं पसंद की उस्ताद की और उस्ताद दे रहे हो जी अलहमदुल्ला कि इसमें हम अपना जो मेरे से थो तो कर गया हो जी इसमें मैंने कर लिया जी जी दसवीं का पास किया था उन्हें, वो को याद है जी सब। जी बिल्कुल हमने सब चीज़ याद है। जी जी ये क्या हमने की तो पूरे 79 में दसवीं की जी ते 80 में अपॉइंटमेंट हो गई जी फिर 6 महीना हो गया प्रयोग में जी 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 ते उसके बाद फिर सर्विस के दौरान में ऑनर अलीगढ़ दी थी जी जी ते इसमें DEd की जी ते और फर्स्ट जी तक की तो फिर पीछे मुश्किलात भी ऐसी हैं जिम्मेदारी ज़्यादा थी बिल्कुल भी तो फिर उम्र ज़्यादा बिल्कुल जी शामिल हुआ। तो थारे बारे सुने जी अदबी खिदमात जड़ी में थारी मुझे जी जी इंशाल्लाह अदब के पास है, मतलब जिसलिए नौकरी लग गई उसके बाद लिखने वाले पास मुड़े या तालब इलमी का जमाना थे। नहीं ऐसी माहौल ही सब कुछ माहौल सिखा हुआ है जी इस माहौल नहीं थोड़ा फोकट में जी इस तरह को आज करने कुछ शर्म महसूस कर सुनने की जिस तरह हमें शर्म आ गया अपनी इस गल करने में किसी चीज़ में थे। बिल्कुल मेरे में कुछ ऐसा पन हो कि हूँ उर्दू में कोई टूटा फूटा शेर लिख ली हूँ तो जी खुशकिस्मती या कि हम रोम इब्रार मुजफ्फर रोम को 7 महीना में जो जी वे आया तो फिर उन्हें हमने मिल के थे कम शुरू किया उन्हें मैंने उस वक्त किया तो कि और जिसने हमें इस वक्त भी निभा हम लोगों जी जी हालांकि उसका अपना करीबी जिन्हें अपना रिश्तेदार है सारा पोल बैठा लेकिन मेरी जो उसकी बात उसकी थी हमने बोला और अलहमदिल्ला कि आज हम इतना वादियंस का गाना नाटे जाने सारे हर एक जाने बिल्कुल जी तो हमने जानी माली कुर्बानी दी थी इस वास्ते वो भी इस वास्ते कि मैं जिसने भी मुखालफत की तो मैं उसने अपना उस्ताद माने आज जी जी हैरानगी की गलत मैं खुद हैरान होगा कि मेरे वाला को जितते थे आज के डिजिटल इंडिया जी जी तो इंसेंट इंडिया में हूँ आज रूम लोगों को अच्छा जी जी बिना रोड कनेक्टिविटी जी है नहीं इलाका डाटा जो मेरा उससे मैं हूँ मैं हूँ वार्ड नंबर 2 में जी चीरल थोड़ी उस साइड रह जाए मेरी जी ते 2-2.5 घंटा हो तो हम हेडक्वार्टर आते में लगे जी फिर अंदाजा करोगे 2-2.5 घंटा अगर हम बिल्कुल बच्चे वालों ने था हम उस जगह पहुंचे तो लोग अपना काम करके वापस जाता हमने जी बिल्कुल तो खैर बने हो बने ना बने फिर भी वापस जी तो सारी चीज़ों का फुकदान है खासकर इस थोड़ा जहाँ इस इलाका में जी मैं कई दफ़ा लाइव हो गया भी की और लेकिन कौन देखे कभी इस पास कोई नहीं देखता बिल्कुल तो मैंने गल पूछी थी मैंने उससे न गए
बीच में दूजी गल आ गई तो मुझसे देखे चलने का दे बेहतर समझूंगा जी। अदबी तुमने खिदमत अदबी खिदमत जिस वक्त तुमने शुरू की होते मेरो आज भी बैनर है जो उस पर लिखो गोजरी पढ़ो गोजरी बोलो ये त्रै चीज लेके हमने जिस वक्त शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह कि मारो कारवां जो तो अच्छो खासो मजबूती की तरफ जा रहे तो फिर कई चीज में हमने कोई हुकूमती उम्र भी थोड़ी जी पाबंदी होगी थोड़ी दूरी रखनी पी पाबंदियों की वजह लेकिन पाबंदी कलमी कागजी मारी कदे नहीं खत्म हुई इधर वे चीज देखा हूँ क्योंकि एक शौक पैदा हुआ था मैंने उन्हें क्या था कि नसीम साहब मैंने लगे कि तुम थरा दी या बो आवे लेकिन अपनी अम्मा अपनी वे किसी को गोदड़ी में क्यों फिर भी अपनी अम्मा अम्मा से न क्यों बिल्कुल और मैं उससे वक्त मैं क्यों इंशाल्लाह सुबह इसको जवाब दूंगा मैं रात ही अपनी नजम लिखी जी सियाल का बारह में लिखे थे सुबह उन्होंने अज तो मोबाइल है अज सोशल मीडिया है कोई वो कई चीज़ अपलोड करो तो वाह वाह चारे पास आ जाए बिल्कुल तो हमने तो ये ढूंढता चलता करता अज तक पहुँचा था जी। तो असीम साहब ने लेजेंड सिंगर मेरा उस्ताद मोहतरम था असीम पुंछी साहब था जी। तो हम उन उस्तादों का थे निकलिया 26 दिसंबर 1996 हम उस वक्त में 5-6 था जी। इब्रार जफर मेरा छोटा भाई था गुलाम जिलानी नसीम जी ते चौधरी मीरा बख्श परवास जी मास्टर गुलाम कादर समी जी और अपना अली मोहम्मद पंच छः था जी। ते कोशिश करके हमने त्रिमाड़ी तक कल्चर अकेडमी में पहुँचाया जी अजीम साहब की बदौलत और अजीम साहब ने उससे सामने यह गल की थी कि अदबी जी है तो उसमें इस रकड़ करा दी तो भी और वाकई रकड़ तो जी। दो चार आदमी नाल खेल बिल्कुल अल्लाह को करना ऐसा कि 1998 में छोटा भाई उनको एक्सीडेंट हुआ 98 में अबरार जफर और एक्सीडेंट हुआ वो भी अल्लाह ने प्यारा हो गया मास्टर गुलाम कादर समीम और वे भी चले गया जी। मेरे बख्श परवाज और वे भी गुजर गया जी। उसके बाद एक और रह गया जी। फिर वो कल मीना अजीम साहब मेरे को जो रिकॉर्ड गया उन लोगों ने उस्ताद मन या दोस्तों के थामना में रंजिश हुई रहेगी जी क्यों कह छुड़े उस लोग लेकिन उन्होंने वह ऐसी गल कही थी अगर वो गल उन्हें ना कही वैसे ना हम भी रखकर उसे बंजर जमीन में रहा था बिल्कुल बिल्कुल थे हमने उसके करके तो फिर थारे सामने तुम जिसको बताऊंगा इंशाल्लाह वो सारे प्रोग्राम कर रहा हूँ जी जी आज भी मस्जिद शरीफ में जो बाजाफ्ता होती रही जी उस मस्जिद तक की बात इस वक्त मेरा वाजियन समा कम अज कम 30-32 शायद तैयार हो गया आर्टिस्ट अपना तैयार हो गया किसी वक्त हम किसी का मुंह न देखा था जी बिल्कुल लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज सब चीज़ मारी है और कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ कोई भी हुआ वादी अंश की मदद के बगैर कोई नहीं कर सकता को जी। तो खैर तुम भी हमारे नाल ही उस सफर में हमारे नाल साथ हैं बेशक मुलाकात अगर राजी हो गई वाकई बड़ी गल नहीं जी डिजिटल इंडिया था उसमें मुलाकात क्योंकि मेरा फार हुआ ना 2 साल हुआ जी सब दयावलियत में दी थी अपनी नौकरी जी बिल्कुल वादा सच गल और इस वक्त भी आज भी मेरा मौका मिला है जी किसी जगह बैठ कर थे साथियों ना हालांकि आज शायद रिटायरमेंट के बाद फिर ही मेरा तमन्ना होनी चाहिए बिल्कुल मेरा इतनी तमन्ना इस वक्त भी हुई है मैसेज अपना नौजवान अजीज जी उन तक पहुँचाना इस वास्ते कि मेरा कुछ 1 साल के पीछे एक बुजुर्ग ऐसा बुजुर्ग न मुलाकात हुई कि हूँ चाहूँकि अल्लाह अगर आज और थोड़ा भी मेरा मिल जाए इससे जी तो मैं और सीख लूँ जो इलम एक ऐसा समंदर है कि इसमें जितना भी तुम डुबकी मारो जितना जिसम उतना पानी समारो तो मैं नौजवानों ने यूँ कहूँगा कि और उसकी मैं तहरीर देखी जी हूँ खुद ना मिलन वास्ते गया और मेरी एक और तमन्ना है कि मैंने जिसने नसीम बनायो फिर नसीम गुलाबगढ़ी बनायो और गुलाबगढ़ी बनाने वाला तो अल्लाह प्यारा हो गया नसीम पुंछी और ना मैं एक वक्त शर्मिंदा हो गए मैं क्यों तो नसीम था मैं तो हूँ नसीम नहीं जा रहा था और उसके पहले मेरा एक उस्ताद था गिरधारी लाल शर्मा जी अगर उनको गल न पहुँचते जो मेरे पर एक हूँ आज भी जब करूँगी मैं पता चल जाऊँ उनके को मुलाकात बस जी जी
कि जिन्हें उस वक्त मैंने नसीम बनाया, बिल्कुल उन्हें नसीम लिखो मेरो मोहम्मद हुसैन नसीम, उसमें भी कुछ एक राज था और अलहमदुल्ला तो वो नसीम बन गए हो माशाल्लाह। और फिर गला बड़ी गो मिना यू दी तो थो कि उनको लफज एक बार थोड़ा चले आते तम यू कह गए जी मुझे नसीम पुंछी मेरा नाम सही है तमाम मेरा नाम बशीरुद्दीन है जी तो हूँ नसीम पुंछी तो नसीम गुलाब गड़ी तो उसने संभालिए तो हूँ इस पास हूँ ऐसा ऐसा उस्ताद भी था वो कहना कि याद माजी आजाद है या रब जी तो भी माजी की याद जिस वक्त ज्यादा ज्यादा ठुकराने लग गए तो बतीजे तो अच्छा कलाम जो लिखे हुए थे थोड़ा बहुत कुछ शेर अगर याद है एक चीज मेरी रही मेरा जुबानी बड़ा घट रहा है जी जी एक शेर मीना इकबाल को जी अलामा इकबाल को नहीं भूलता और एक अपना मेरी भूलता एक एक याद है अलामा इकबाल को यूँ था कि अजम रासख सही कामल अमले पहम की कसम जी ये तेरा ख्याल है काम है कि मंजिल अभी दूर है तो अपनों एक यूँ था कि बेस वास्ते कह छोड़ो तो समझे तो कोई के समझे समझे तो कोई के समझे जाने तो कोई के जाने दिल जिसको रो तो वो सुनो सुनो के जाने काफी सारा इंशाल्लाह तो वो किसी और दूसरी मुलाकात में भी सारा मुलाकात उनमें भी करें अच्छा जरा तुमने प्रोग्राम की गल की है अपना इलाका में तुमने अदब नसीदो रखे हो नौजवानों के अंदर शौक देखे तो मदद वाले पास मन को बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ना अपना अजीज जितना भी जी मैं हर तरीका नालो ना नजदीक आने की कोशिश की जी जी क्योंकि एक उस्ताद हो मेरे नाते बिल्कुल किसी ने ड्रा तुम कहा गए किसी ने ठग गए किसी ने किस तरह कर गए तो इंशाल्लाह इस वक्त जो मेरे इलाको है सरसब्ज है और मैंने इस पर पूरी इतना फख्र है कि शायद मैं कभी सोचियो भी नहीं बहुत खुश हर मैदान में जो है अट भी कोई भी चीज़ है बस आप से प्रोग्राम करा जी मेरे को सर्टिफिकेट है पिछले 26 जनवरी ने हमारा और दिन साल और शहीद मजर हुसैन शाह साहब जी उन्हें मेरी अदम मौजूदगी में मेरे बादियंस का नाम और सर्टिफिकेट भी थी जी सर्टिफिकेट तो काफ़ी सारी है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ तो भी आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ हूँ लेकिन मैं अपना कम ना कम समझूँ जी फिर इस वास्ते मैं जब किताब का मंजर आम पर आई इंशाल्लाह कोशिश करूँ क्योंकि हम आज़ाद हो गए अपनी भी चीज़ पूरी कर ली